नमस्कार दोस्तों, मैं भीमसेन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू लोकेशन में। आज हम चलेंगे यूपी के सिद्धार्थनगर ज़िले में स्थित सोहरतगढ़ में, जहां माता पलटा देवी का स्थान है। हम ये सफ़र गोरखपुर से शुरू कर रहे हैं, बट रिकॉर्ड नहीं किए हैं ये चीज़, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके वजह से वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं कुछ जगहों का रिकॉर्ड किया हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगा उस चीज़ को मैंने वीडियो में डाला है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बना दूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बट सेकंड पार्ट मैं बना दूँगा, आप अगर कमेंट में करेंगे तो। मैं जब इस रास्ते से जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं क्यों ना यहाँ रुक जाऊँ, मतलब यहाँ का जगह देख के इतना अच्छा सीन था, लग रहा था मैं किसी पिक्चर में चला गया हूँ, जो कभी कभी फिल्मों में दिखाता है, ऐसा लोकेशन था। और मेरे चैनल का नाम भी न्यू लोकेशन है, तो होता रहता है ऐसा। ये चीज़ अभी जो आपके सामने आएगा, ये चीज़ देखिए कितना अलग थलग दिख रहा है, एक अलग सा यहाँ फील हो रहा था। इस चीज़ को अगर कभी आप जाके फेस किए होंगे तो आपको पता होगा कैसा लग रहा है। ये है जगदीशपुर गांव, यहाँ से माता पलटा देवी का स्थान तकरीबन 100 मीटर है, मैंने पीछे पूछा था। हम बस पहुँचने ही वाले हैं माता पलटा देवी के स्थान पर। थोड़ा सब्र करिए, हमें भी अब सब्र नहीं हो रहा है कि कितनी जल्दी मैं माता पलटा देवी के स्थान पहुंच जाऊं। अब तो दिख रहा है, गेट दिखने लगा मुझे, आपको क्या लग रहा है? ये है माता पलटा देवी के मंदिर का प्रवेश द्वार, और साथ में जो बगल में दिख रहा है, ये माँ पलटा देवी के नाम से पुलिस चौकी भी बनी हुई है। यहाँ दो देशों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, एक तो अपने देश से और दूसरा नेपाल से। और यहाँ अक्टूबर नवंबर के मंथ में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चलता है, और नवरात्रि के टाइम पे यहाँ बहुत बड़ा जलसा लगता है, मेला लगता है। दोनों तरफ अभी भी दुकानें हैं, मैं सुबह के टाइम पहुँचा हूँ तकरीबन 9 बजे, तो अभी बस दुकानें खुली हुई हैं। बगल में खाजा लोग बेच रहे हैं, इधर दोनों तरफ खिलौने और प्रसाद का दुकान है। इधर से तो मैं नहीं, बट उधर से मैं आते समय खिलौना ज़रूर खरीदूंगा, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। आप आएंगे अगर माँ पलटा देवी के स्थान पे तो क्या खरीदेंगे? एक ज़रूरी बात, यहाँ इस मंदिर का इसलिए नाम पलटा देवी पड़ा क्योंकि यहाँ आने के बाद ना लोगों के भाग्य पलट जाते हैं, ऐसा यहाँ के अस्थाई लोगों का मानना है। और इस मंदिर को 5 पांडवों ने बनाया था, तब जब वो अज्ञातवास बिता रहे थे यहाँ, कुछ दिन अज्ञातवास बिताएं, जैसे 2-3 साल या फिर पता नहीं, मुझे क्लियर नहीं है कि कितने दिन बिताए थे, जो भी रहा होगा। ये माँ पलटा देवी स्थान की मूर्ति है, जो 5 पांडवों ने अपने हाथों से बनाया था। ये मूर्ति तकरीबन 6 फीट की है। हम अब मंदिर के आगे चलेंगे, गोलघर रोड सोहरतगढ़। 6 जो बंद कमरा आप देख रहे हैं ना, यहाँ बस एक बंद कमरा ही है और कुछ नहीं है। और ये जो शिवलिंग आपके सामने दिख रहा है, यहाँ सबसे पहले जो पुजारी थे उनको यहीं दफनाया गया था। और यहाँ ये जो मंदिर दिख रहा, ये गेट जो दिख रहा है, ये भी बस एक महज एक रूम है, जो यहाँ के पुजारियों के रहने के लिए बना था। बाद में इसको लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि अब ये दूसरे जगह चला गया। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये पूरा शिवलिंग 5 पांडवों ने अपने हाथों से लगाया था। अब हम चलेंगे जहाँ नारियल तोड़ा जाता है, मंदिर भी है और यहीं नारियल लोग तोड़ते हैं,
देखिए यहाँ बाबा बैठते हैं लेकिन अभी है नहीं, यहाँ एक बाबा खड़े हैं, ये भी पांच पांडवों ने अपने हाथों से लगाया था। यहाँ आने के बाद लोगों के भाग्य पलट जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब हम चलेंगे मंदिर के पीछे और देखेंगे यहाँ क्या चीज़ है। है तो ऐसे कुछ नहीं, बस मंदिर है, और ये मंदिर देखने से नहीं लगता कि 6000 साल पुराना होगा, क्योंकि अभी तो कलर वलर हो गया है, नीचे भी फर्श है। शायद छोटा सा मंदिर रहा होगा, बाद में बना होगा या फिर ऐसे ही रहा होगा, बहुत पुराना मंदिर है। अभी मंदिर लग रहा है कि ज़्यादा 20-25 साल पुराना होगा देखने से, बस दीवारें थोड़ा टूट गई हैं तो प्लास्टर है, टूट जाता है। अब चलेंगे दूसरे रास्ते से आगे की तरफ और फिर हम लोग चलेंगे वहाँ जहाँ पांच पांडवा स्नान करते थे, फिर माता का पूजा करते थे। यह भी एक मंदिर है जो माता पलटा देवी के स्थान के बगल में है, लोग यहाँ भी पूजा कर रहे थे, मैंने यहाँ पूजा किया और रिकॉर्ड किया। यहाँ यही वो जगह है जहाँ पांच पांडवा नहाते थे, ये इसमें नील कमल है और सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है आपको वो सफ़ेद कमल है। मैं उधर से जाकर रिकॉर्ड करता बट जाने लायक नहीं था रास्ता तो मैं नहीं गया। ये पूरा नील कमल है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ थी नीचे, छोटी छोटी थी, दिख नहीं रही थी। ये थोड़ा सा गंदा है तो थोड़ा मैंने इधर उधर करके रिकॉर्ड किया ताकि गंदगी ना आए वीडियो में, शायद सफाई नहीं होती है, बट अगर आप एक आध बार जाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा जगह है। ये मेरे साथ एक लड़का आया था, थोड़ा सा मैंने उसका भी वीडियो बना लिया। अब ये तालाब के पास से ना आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये माँ पलटा देवी का स्थान है। धन्यवाद दोस्तों।